गाइस, तो आज रेस्टोरेंट स्टाइल दम आलू बन रहा है। ये दम आलू हम एकदम डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। मतलब जो नॉर्मली हम अनियन टोमेटो की ग्रेवी करके नॉर्मल से मसाले डाल के बनाते हैं, उस तरीके से नहीं बना रहे हैं। एकदम ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल दम आलू बना रहे हैं, जो कि आपको इजीली जो घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं उसी से आप बना लोगे और बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आएगा उसका। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो ये जो बेबी पोटैटोज़ होते हैं, छोटे छोटे वाले पोटैटोज़, उसको मैंने बॉईल कर लिया है और अब हम इसकी स्किन निकाल लेते हैं। उसके बाद हम फोक या तो फिर स्टिक्स की मदद से इस तरीके से छेद बना लेंगे। इसमें क्या है ना, हम इसे फ्राई करने वाले हैं और मसाले जो हमारे होंगे वो अंदर तक जाए, इसीलिए ये प्रोसेस कर रहे हैं हम। तो फ्राई हो चुके हैं। अब हम दम आलू का जो स्पेशल मसाला है जिसे हमें रोस्ट करके बनाना है वो रेडी कर लेते हैं। मसाले को रोस्ट करने के बाद हम ग्राइंड कर लेते हैं और ये मसाला तो रेडी है हमारा। अब हम जो दम आलू की डिलीशियस ग्रेवी है वो बना लेते हैं। जब हम ये ग्रेवी बनाते हैं तो हमें दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है। ये अनियन जो है वो अच्छे से कुक होने चाहिए, मतलब उसकी रो स्मेल चली जानी चाहिए और अच्छे से ब्राउन हो जाने चाहिए। और टोमेटो को भी ना हमें अच्छे से कुक करना है। अगर दोनों में से एक भी चीज़ कच्ची रह गई ना, इसकी स्मेल रह गई, तो आपका ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ग्रेवी में थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छे से मसालों को भी कुक कर लेते हैं। और जब तक ये ग्रेवी रेडी हो रही है, हम एक कड़ का मिश्रण तैयार करेंगे जो ये दम आलू को बहुत ही टेस्टी बनाएगा। कर्ड डालने के बाद ना हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि हमें अंदर लम्प्स नहीं चाहिए। हमने बेसन भी डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ना हम ग्रेवी को अच्छी सी
कंसिस्टेंसी दे देंगे, मतलब कि आपको जितनी पतली गाढ़ी जितनी ग्रेवी जैसी ग्रेवी चाहिए उस तरीके से पानी ऐड करें। लेकिन अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी को पतली रखोगे ना तो आलू में ना मसाले अच्छे से उसका टेस्ट आएगा, मतलब आलू में तो हमने जो छेद किए हैं ना उसके अंदर मसाले अच्छे से जा पाएंगे। तो आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी उसी तरीके से रखें। सर रेस्टोरेंट स्टाइल दम आलू बन के रेडी है। बहुत ही बढ़िया कलर आया हुआ है इसका और टेस्ट भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो दम आलू को आप इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू लाइक द रेसिपी देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।